नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ एक बार फिर आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ गांधी युग को लेकर। अब तक हम गांधी युग में चंपारण सत्याग्रह, मील, अहमदाबाद मील, खेड़ा, असहयोग आंदोलन पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो भारत में एक शून्य उभरा, जो गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम था उसको उसको साथ में लेकर चलने वाला एक कांग्रेस से मतभिन्नता रखने वाला एक कांग्रेस के भीतर ही एक वैचारिक मतभेद की उपज जिसे स्वराज दल कहा जा सकता है। स्वराज दल कहते हैं, स्वराज दल की स्थापना 31 दिसंबर 1922 को गया अधिवेशन में चित्रंजन दास के द्वारा की गई घोषणा के द्वारा हुई। इस अधिवेशन में स्वराजियों ने प्रांतीय परिषदों में काउंसिलों में भाग लेने के लिए अपना मत व्यक्त किया, प्रस्ताव रखा। तो इस प्रस्ताव के विरोध में गोपालाचारी द्वारा राजगोपालाचारी द्वारा चित्रंजन दास को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर स्वराज दल की घोषणा हुई। स्वराज दल के अध्यक्ष बने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। इनको परिवर्तनवादी भी कहा गया, क्योंकि ये जो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसको विस्तार देना चाहते थे, कहीं ना कहीं से उसी को विस्तार दे रहे थे, असहयोग का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन काउंसिलों के माध्यम से, प्रांतीय परिषदों में, केंद्रीय विधानसभा में 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव होने थे उनमें भाग लेकर सहभागिता करके कौंसिलों के अंदर जाकर और नौकरशाही की नीतियों मड़ंगा अपना कर कहीं ना कहीं असहयोग को एक विस्तार रूप देना चाह रहे थे। लेकिन गांधी जी और उनके समर्थक जो अपरिवर्तनवादी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, ये इस नीति के खिलाफ थे, अड़ंगा नीति के समर्थक नहीं थे। तो निश्चित तौर पर एक मतभेद था ही। तो स्वराजियों ने स्वराज दल की स्थापना की और सी आर दास के नेतृत्व में स्वराज दल का आंदोलन चला। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मैंने बताया आपको कि काउंसिलों के भीतर जाके वास्तविक जो द्वैत शासन के जो दोष थे उनको बाहर निकालना, भारतीय जनमानस के सामने अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली है, जो शासन सुधार आया है, उसके दोषों को बाहर निकालना और जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी है भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब एक तरीके से दिखाना कि ये जो अंग्रेज हैं ये वास्तव में भारत में किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं करना चाहते, दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि द्वैत शासन प्रणाली अपने आप में पंगु थी। उसके दोष इन लोगों ने देखे। स्वराजियों ने जब चुनाव में भाग लिया तो केंद्रीय विधानसभा में से 105 में से 48 स्थान जीते और जिन्ना के स्वतंत्र सदस्य और मालवीय साहब के जो राष्ट्रवादी पार्टी थी उसके सदस्य के साथ मिलकर सरकार भी बने। तो उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने अड़ंगे की जो नीति अपनाई उससे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो भी प्रभावित हुई और जो अंग्रेजी सरकार की नीति थी वो भी प्रभावित हुई। वहां आगे जाके देखते हैं कि 1923 में जो नमक कर को दोगुना किया था और लॉर्ड रीडिंग ने बगैर विधानसभा के उत्तरदायित्व के उसको अपने हिसाब से ही पास कर दिया, मतलब कोई उत्तरदायी शासन की कोई बात ही नहीं रखी। एक तरीके से जो गवर्नर को पावर था लेते के 1919 के अधिनियम गवर्नर के पास ही जो आरक्षित विषय थे और उनका स्पेशल वीटो था वो गवर्नर के पास ही था, तो वो कुछ भी कर सकता था। तो 1923 का नमक कर को दोगुना करना कर देना और जो राजाओं से संबंधित अधिनियम पारित कर देना, तो कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत सारे अधिनियम थे और बहुत सारी बातें थी जो प्रेरित कर रही थी कि द्वैत शासन था वो वास्तव में कितना हानिकारक था। तो उन चीजों का जो चरित्र था वो स्वराजियों ने बाहर निकाला। स्वराजियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना था। ये उन्होंने जो कांग्रेस की जो पिछला जो नागपुर अधिवेशन था जिसमें ऐसे प्रस्ताव में भी स्वराज की बात रखी गई थी, लेकिन वहां पर
इसको परिभाषित रूप से रखा गया, उसको परिभाषित नहीं किया गया कि स्वराज की परिभाषा क्या होगी। तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने परिभाषा डिसाइड की कि अपने वैश्विक शासन के अंदर स्वराज है कि इस तरीके से। तो डेफिनेटली स्वराज की जो स्पष्ट परिभाषा है वो हमको देखने में मिलती है एक औपनिवेशिक स्वराज के रूप में, वो स्वराज्यों ने दी। स्वराज्यों ने स्पष्ट किया कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही औपनिवेशिक शासन की मांग करनी है, स्वराज चाहिए लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर चाहिए। तो इस प्रकार से एक एजेंडा क्लियर हो गया। तो रेंडी मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा भी की कि भाई हमारा जो दल है, श्रमिक दल है, इसका उद्देश्य है कि भारतीयों को औपनिवेशिक जो स्वराज है वो प्रदान किया जाए। अब स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही विस्तार थी, मैंने कहा था, और जो गया अधिवेशन था, गया अधिवेशन में हालांकि उन्होंने अध्यक्षता से इस्तीफा दिया और ये इन्होंने स्वराज दल की स्थापना कर ली और सी आर दास इसके अध्यक्ष रहे और मोतीलाल नेहरू के सचिव बनाए गए। साथ ही हम देखते हैं कि जो अगला अधिवेशन होगा, विशेष अधिवेशन होता है सितंबर 1923 में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, तो उसमें इनके जो कैर थे प्रांतीय परिषदों में भाग लेने की सहभागिता के, उनको कांग्रेस ने अनुमोदित कर दिया और वार्षिक अधिवेशन जो काकीनाडा में हुआ 1923 का, उसमें पूरी तरीके से इनसे कांग्रेस सहमत हो गई। तो एक तरीके से स्वराजी कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा दल बन गया जो कहीं ना कहीं से असहयोग कार्यक्रम को विस्तार दे रहा था। इन्होंने जो गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, चरखा, सूत कातना इत्यादि सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, अछूतोद्धार, इन सबको भी अपना लिया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी से पीछे नहीं जा रहे थे, गांधी के साथ ही थे। और अंत में जब गांधी जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने भी इनका विरोध ना करते हुए ये कहा कि चलो ये समय की मांग के अनुसार उपयुक्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वराज्यों ने जो असहयोग का जो शून्य था, असहयोग आंदोलन से उत्पन्न निराशा हुई थी, जो अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, उससे भारतीय जनमानस में एक शून्य उभरा। उस राजनीतिक शून्य को स्वराज दल ने भरने की कोशिश की। तो इन्होंने सबसे पहले 1919 के अधिनियम का एक तरीके से व्यवहारिक रूप में रूपांतरण किया और उससे परीक्षण भी प्राप्त किया। भारतीय जो जनमानस है उसके सामने अंग्रेजों की जो दोषपूर्ण नीति है उनको उजागर किया, नौकरशाही के चरित्र को उजागर किया। और एक बात, साइमन कमीशन जो 1929 में आना था जांच के लिए, वो 1927 में आया। गोलमेज सम्मेलन की इनकी मांग इन्होंने रखी जो 1930 में जाके पूरी हुई। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो स्वराज दल की एक तरीके से मांगे थी जो कहीं ना कहीं से इस युग में उस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए काम आई। इन्होंने एक राजनीतिक उत्साह को बना रखा और जनता को कार्यशील रूप देने में ये सक्षम रहे। विभिन्न जगहों पर इन्होंने जो नगर पालिकाएँ हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनमें इनका दबदबा बना रखा। बंगाल में तो सबसे बड़े दल के रूप में बनकर उभरे। तो डेफिनेटली जो स्वराजी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन का जो शून्य था उसको भरने का काम बखूबी निभाया। अंत में ये जो लोग जिस एजेंडे को लेकर शामिल हुए थे, हम अड़ंगा नीति पे चलते रहेंगे और सरकार से असहयोग करेंगे, लेकिन बाद में सी आर दास 1925 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू स्कीम समिति जो भारतीय सेना का जो सेना थी उसका भारतीयकरण करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, स्कीम समिति, उसके सदस्य बन जाते हैं। बीजे पटेल है वो व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका में अध्यक्ष का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे स्वराजी है वो इस बात समिति में सदस्यता ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सरकार के साथ सहयोग करने लग जाते हैं। तो कहीं फिर उसके बाद इनका अस्तित्व खत्म होने लगता है और 1926 में स्वराज दल का जो व्यवहारिक अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली के दोषों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया, अपने आप में जनता को कार्यशील और उत्साह से भर के रखा, भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज की स्पष्ट मांग के रूप में जो आगे जाकर रेंडी मैकडोनाल्ड और आने वाला जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं से औपनिवेशिक स्वराज को मान लिया गया कि इन लोगों की मांग औपनिवेशिक स्वराज है तो ये ब्रिटिश शासन के भीतर है। इस प्रकार की जो मांग थी वो क्लियर हो चुकी थी। इससे पहले औपनिवेशिक स्वराज की मांग को समझा नहीं गया था। हालांकि 1929 में जाके वो पूर्ण स्वराज की मांग है वो
कहीं ना कहीं से ब्रिटिश शासन के भीतर ही थी। लेकिन पूर्ण स्वराज और औपनिवेशिक स्वराज एक अलग, दो अलग मुद्दे हैं, पूर्ण स्वराज में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार स्वराजियों ने जो चीज भारतीय जनमानस में डाली वो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का शून्य था। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम चलते रहे और गांधी जी के आने के बाद गांधी जी ने इनके जो कार्य थे उनको, उनसे उन्होंने सहमति जताई। तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि स्वराजियों का राष्ट्रीय आंदोलन में एक समय विशेष, देशकाल, परिस्थिति के अनुसार एक अपना महत्व है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने आप लोगों को स्वराजियों को समझाने में थोड़ी मदद की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए मेरे साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करेंगे, और मैं आपको इसी प्रकार से कड़ी बाई कड़ी जोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा करके मैं इतिहास आप लोगों को पूरा कराने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद।